आज हम सीखेंगे कक्षा 10 की पुस्तक स्पर्श के गद्य भाग से लिया गया पाठ 3 तंतारा वामिरो के प्रश्न उत्तर। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तंतारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था, क्या विचार था, क्या सोचते थे लोग उसकी तलवार के बारे में? तो उत्तर है, तंतारा की तलवार के बारे में लोगों का यह मत था कि उसकी लकड़ी की तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति है। वह अपनी तलवार को कभी भी अपने से अलग नहीं करता था। लोग मानते थे कि तंतारा अपने कारनामे उसी तलवार की मदद से करता है। लोगों का ऐसा मानना था कि उसकी तलवार के अंदर कोई भगवान के द्वारा दी गई कोई बहुत बड़ी शक्ति है, जिसकी मदद से वो इतने बड़े से बड़े मुश्किल से मुश्किल काम को पूरा कर लेता है। तो प्रश्न नंबर 2 है, वामिरो ने तंतारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? वामिरो ने तंतारा को सही से जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों इस तरीके से उसने उसको आंसर दिया? तो उत्तर है, वामिरो ने बेरुखी से तंतारा से पूछा कि वह कौन है और अजनबी होने के बावजूद उससे सवाल क्यों कर रहा है। वामिरो ने क्या पूछा कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, फिर तुम मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। उसने गांव के नियमों का हवाला देते हुए भी बताया कि दूसरे गांव के लोगों के सवालों के जवाब देने को मैं बाध्य नहीं हूँ। उसने अपने गांव के नियम के बारे में बताया कि उसके गांव के क्या नियम है। उसके गांव के नियम के अनुसार वो किसी भी दूसरे गांव के व्यक्ति से बात नहीं कर सकती है, इसलिए जो भी तुमने मुझसे प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देना मैं जरूरी नहीं समझती हूँ। वास्तव में उसके गांव की प्रथा के अनुसार वह अन्य गांव के युवकों से बातचीत नहीं कर सकती है। तो प्रश्न नंबर 3 है, तंतारा वामिरो की त्याग में मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? तंतारा और वामिरो ने जब अपना त्याग कर दिया तो वहां पर क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या चेंजेस आए? तो उत्तर है, तंतारा वामिरो की त्याग में मृत्यु से निकोबार में यह परिवर्तन आया कि लोगों ने अपनी पुरानी परंपराओं को तोड़ दिया। तब से लोगों की शादियां दूसरे गांव में भी होने लगी। उन दोनों की त्याग में मृत्यु ने लोगों की विचारधारा में परिवर्तन ला दिया। लोगों की जो सोच थी, जो उनके विचार थे कि नहीं हमें अपने ही गाँव के व्यक्ति से शादी करनी है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। कब? जब तंतारा और वामिरो ने अपना त्याग कर दिया, यानी उसी परंपरा की वजह से उन दोनों की आपस में शादी नहीं हो सकी। उन लोगों का त्याग हो गया, वो अलग हो गए, लेकिन उनके अलग होने के बाद जो उनके बनाई गई परंपरा थी गांव की, वो परंपरा टूट गई। तो प्रश्न नंबर 4 है, निकोबार के लोग तंतारा को क्यों पसंद करते थे, क्यों इतना पसंद करते थे निकोबार के लोग तंतारा को, क्या था ऐसा उसके अंदर? उत्तर है, तंतारा सुंदर, शक्तिशाली, नेक तथा मददगार युवक था। वह सारे द्वीपवासियों की सेवा व सहायता करना अपना कर्तव्य समझता था। वह परिचित और अजनबी सबकी एक जैसी मदद करता था। वह ताकतवर होने के बावजूद बड़ा ही शांत और सौम्य था, इसलिए निकोबार के लोग तंतारा को पसंद करते थे। वो बहुत सुंदर था, बहुत शक्तिशाली था और वो सबकी मदद करता था। जिसे जानता था उसकी भी मदद करता था, जिसे नहीं जानता था उसकी भी मदद करता था। ऐसा नहीं है कि केवल वो अपने गांव के ही लोगों की मदद करता था, वे दूसरे गांव के लोगों की भी मदद करता था और बहुत ही प्रेम भाव से, चाहे कितनी भी बड़ी कोई मुसीबत में हो वो उसकी मदद करने के लिए तुरंत पहुंच जाता था, इसलिए वहां के लोग तंतारा को बहुत पसंद करते थे। तो अगला सेक्शन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो पहला प्रश्न है इसका, निकोबार द्वीप समूह में के विविक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? जब वो द्वीप समूह विविक्त हुआ यानी अलग हुआ, तो लोगों की क्या धारणा थी, क्या विश्वास था, क्यों अलग हो गया, उसके बारे में बताएंगे। उत्तर है, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में एक दंत कथा प्रसिद्ध है। जब वो एक ही द्वीप हुआ करता था, तब तंतारा नाम के एक युवक को दूसरे गांव की वामिरो नाम की युवती से प्रेम हो गया। उन दोनों के प्रेम से वहां पे जब शादी हुआ करती थी के अनुसार उनकी शादी होना संभव नहीं था।
दोनों के गांव वाले इसके खिलाफ थे। तंतारा को एक दिन इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी तलवार को धरती में घोप कर द्वीप के दो टुकड़ों में काट दिया। उसके बाद लोगों की आंखें खुली और उन्होंने पुराने नियमों को तोड़ दिया। तो क्या परिवर्तन आया, जब तंतारा वामीरो आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन परंपरा की वजह से वो वहां शादी नहीं कर पाए, तो तंतारा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी तलवार निकाला और उस तलवार को धरती पे घोप दिया, जिसके कारण दो टुकड़े हो गए और दो द्वीप में वो बदल गया। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, तंतारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया, वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जब तंतारा बहुत मेहनत करी और टायर्ड हो गया, बहुत थक गया, तो उसके बाद वो कहाँ गया, तो जिस जगह वो गया वहां की जो सुंदरता है, नेचर की जो प्राकृतिक सुंदरता है, उसके बारे में बताना है। तो इसका उत्तर है, तंतारा खूब परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे गया। उस समय शाम का समय था, दूर क्षितिज पर सूरज डूब रहा था, चिड़ियों का झुंड अपने घोंसले की तरफ जा रहा था, ठंडी ठंडी हवा मन को शांति प्रदान कर रही थी, डूबते सूरज की लाली से समुद्र के पानी पर रंग बिरंगी आकृतियां बन रही थी, आसमान भी तरह तरह के रंगों में छटा बिखेर रहा था। यानी कितनी अच्छी सुंदरता थी, समुद्र का किनारा था, क्षितिज सूरज क्षितिज में डूब रहा था, यानी जब सूरज डूबता है तो उस समय कैसी लालिमा छा जाती है चारों तरफ, चिड़िया चहचहा रही थी, सब अपने घरों को जाने की तैयारी में थी, तो वो सुंदरता का वर्णन किया गया है। समुद्र के किनारे जब तंतारा वहां पे बैठा हुआ था तो वहां की सुंदरता के बारे में बताया गया है। तो अगला प्रश्न है, वामीरों से मिलने के बाद तंतारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया। जब तंतारा वामीरों से मिला तो उसके जीवन में क्या बदलाव आए, क्या क्या चेंजेस आए उसके जीवन में, तो उत्तर जानेंगे इसका। वामीरों से मिलने के बाद तंतारा की जिंदगी बदल गई। वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा, उसका हृदय बेचैन था। उसके शांत जीवन में ऐसा अवसर पहली बार आया था, किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। जीवन में पहली बार वह किसी का इंतजार कर रहा था, उसे लग रहा था कि दिन कभी खत्म ही नहीं होगा। पहली बार उसकी लाइफ में ऐसा हुआ था कि वो किसी का इंतजार कर रहा था, वो वामीरों का इंतजार कर रहा था और उसे लग रहा था कि दिन इतना बड़ा हो गया कि ये दिन खत्म क्यों नहीं हो रहा। जब किसी का इंतजार करते हैं तो समय कितना लंबा लगने लगता है, एक एक मिनट काटना भी कितना मुश्किल हो जाता है। तो इसी उत्तर के अंदर यही बताया गया है। तो अगला प्रश्न पढ़ेंगे, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे। यानी मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए और शक्ति प्रदर्शन की हमें कितनी शक्ति है, किस तरीके के प्रोग्राम करे जाते थे। अभी आप लोगों ने देखा, मनोरंजन के लिए हम टीवी देख लेते हैं, मूवी देख लिया, मोबाइल यूज कर लिया, हमें अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाना, तो अलग अलग तरीके की प्रतियोगिता हो जाती थी। लेकिन पहले समय में, प्राचीन समय में ये सब चीजें नहीं होती थी, तो व्यक्ति अपना मनोरंजन किस प्रकार करता था और किस प्रकार अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाता था, वो इस प्रश्न में पूछा गया है। तो उत्तर जानेंगे इसका, प्राचीन काल में शक्ति प्रदर्शन और मनोरंजन के लिए पशुओं की लड़ाई का आयोजन करवाया जाता था। इन आयोजन में हष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के साथ साथ कहीं कहीं पर मनुष्य और पशु की लड़ाई भी होती थी, साथ में नाच और गाने का भी आयोजन होता था और भोज की भी व्यवस्था की जाती थी। तो प्राचीन काल में शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आपस में पशुओं को जानवरों को लड़ाया जाता था और कभी कभी जानवरों के साथ व्यक्तियों को भी लड़ाया जाता था कि देखने के लिए इनके अंदर कितनी शक्ति है, क्या ये पशुओं से लड़ सकते हैं। और नाच गाना भी हुआ करता था और उसके बाद वहां पे भोजन की व्यवस्था भी की जाती थी। तो अगला प्रश्न पढ़ेंगे इसी का, रूढ़ियां जब बंधन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है। जब रूढ़ियां, जो परंपराएं हैं, जब वो बंधन बनने लगती हैं, किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाने लगती हैं, तो बेटर है कि अब उनका टूट जाना ही सही है। तो इसका उत्तर है, रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, समय के साथ चीजें बदल जाती हैं, समय के साथ साथ जीवन में अनेक परिवर्तन आते रहते हैं। नव समाज में पुरानी रूढ़ियां मान्य नहीं रखती। नव समाज जो नया समाज में, उसे पुरानी परंपरा कोई भी नहीं मानता और वो परंपराओं के द्वारा व्यक्ति को नुकसान हो, फिर लड़ाई झगड़े हो, तो जो पुरानी परंपराएं, बहुत कम लोग हैं इसको जो मानते हैं, उनके अनुसार जीवन में आगे बढ़ना कठिन होने लगता है और रूढ़ियां जब बंधन बनने लगे तब उनका टूट जाना ही
उचित है। तो अगला सेक्शन पढ़ेंगे, आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय स्पष्ट कीजिए का पहला प्रश्न है, तो सुनिए, जब कोई राह ना सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है, इसमें कौन सी घटना घटित हुई है, उसके बारे में बताया गया है। तो उत्तर है, तंतारा बहुत गुस्से में था, कोई उसे लगने लगा था कि गांव वाले उसकी और वामिरों की शादी नहीं होने देंगे। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, उसने अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए अपनी तलवार को पूरी ताकत से जमीन में घोप दिया। यह उस समय का दृश्य है जब तंतारा के क्रोध में से द्वीप के दो टुकड़े हो गए थे। उसको इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तंतारा और वामिरों की शादी नहीं होगी। अब वो अपने गुस्से को रोकने के लिए उसने क्या किया, उसका हाथ तुरंत गुस्से में अपने तलवार की तरफ गया और उसने अपनी तलवार निकाली और धरती पे खोपी और वो धरती से खींचता हुआ चला गया, जिस प्रकार द्वीप के दो टुकड़े हो गए। तो अगला आशय स्पष्ट कीजिए है, बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी डूब सकती थी। तो इसका उत्तर है, तंतारा जब वामिरों का इंतजार कर रहा था तो उसे लग रहा था कि उसका इंतजार विफल जाएगा। हाँ, उसके पास उम्मीद की एक किरण बाकी थी, इसलिए वह इंतजार कर रहा था। तो वो क्यों इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वो वामिरों का इंतजार कर रहा है, वामिरों आएगी या नहीं आएगी, लेकिन एक आशा की किरण उसके मन में थी कि हाँ, हो सकता है कि वो आ जाए, उसको मेरी बात कहीं ना कहीं पसंद आ जाए और वो मुझे मिलने आ जाए। उसी आशा की किरण की वजह से वो वामिरों का इंतजार कर रहा था।